हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड शॉटगन के बारे में। हाँ जी दोस्तों, शॉटगन बिल्कुल सही नाम सुना है, क्योंकि अभी तक देखिए शॉटगन नाम की कोई भी रॉयल इनफील्ड की बाइक नहीं है, लेकिन बहुत जल्द एक बाइक है जिसका नाम शॉटगन होने वाला। वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इसका नाम शॉटगन कौन सी रॉयल इनफील्ड की बाइक का नाम होने वाला है। तो जो 650 क्रूज़र बाइक कही जा रही है उसका नाम शॉटगन होने वाला है, और मुझे ये नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगा था इसका नाम मेटेओर 650 या इसका नाम थंडरबर्ड 650 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मतलब जो भी हम सोच रहे थे सबको मतलब कंपनी ने एक साइड कर दिया है, और अब कंपनी ने इसका नाम जो रखा है वो रखा है शॉटगन, जो काफ़ी अच्छा नाम है। कई लोगों को ये नाम अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन पर्सनली मुझे ये नाम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर आपको भी अच्छा लगा है बाइक के हिसाब से, अगर ये नाम आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। उसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करें तो यार इसका मतलब नाम ऐसा भी हो सकता है कि रॉयल इनफील्ड शॉटगन 650 क्रूज़र, हाँ ऐसा भी हो सकता है, या फिर शॉटगन क्रूज़र भी हो सकता है, शॉटगन 650 भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम के साथ ऐसा कुछ ना कुछ कंपनी करने वाली है। पेपर आपके सामने आ रहे हैं, पेपर में यहाँ पे कहीं पे भी 650 के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन जो एक आइडिया लगाया जा रहा है कि शॉटगन नाम जो है वो आपका क्रूजर 650 का ही दिया जाएगा। सो थोड़ी और बातें कर लेते हैं बाइक के बारे में। तो यार देखिए, जो इसकी सिटिंग पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है, यानी राइडिंग स्टांस है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल दिया गया है। फॉरवर्ड सेट फुटपैक्स इसमें दिए गए हैं, मतलब आगे की तरफ आपके इसमें फुटपैक्स दिए गए, जिससे मुझे लगता है यार आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइडिंग का मतलब काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइडिंग का एक्सपीरियंस होने वाला है। और उसके अलावा हैंडल बार भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं, जो मतलब कम्प्लीटली यार एक क्रूज़र लुक दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक ये बाइक लग रही है, और इससे बहुत ज़्यादा इस बाइक से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हाँ, ये एक एक्सपेरिमेंट की ही तरह है, क्योंकि कभी भी मतलब रॉयल इनफील्ड ने इस तरह की कोई भी बाइक नहीं निकाली है। थंडरबर्ड थी, मेटेओर है, लेकिन 650cc में तो यार ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही, और नाम भी बिल्कुल नया रखा है शॉटगन। कई लोगों को मैंने कहा पसंद आ रहा है, कई लोगों को पसंद नहीं भी आ रहा होगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये चीज़ जरूर बताइएगा। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें इंजन की, तो दोस्तों इसमें आपका वही इंटरसेप्टर और जीटी कॉन्टिनेंटल वाला इंजन होने वाला है, यानी 648cc का ट्विन सिलेंडर। हाँ जी दोस्तों, ट्विन सिलेंडर इंजन एयर और ऑयल कूल रहेगा, जिसमें आपको 47 bhp की पावर मिल जाएगी, 52 Nm का शानदार टॉर्क मिल जाएगा। तो यह टॉर्क भी अच्छी है, पावर भी अच्छी है, और 6 गियर मिल जाएंगे, तो यानी सब कुछ ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। भाई इंजन की अगर हम बात करें तो यार इंजन के मतलब इंजन में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कामयाब इंजन है जो मार्केट में काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो मतलब इंजन के लिए तो कोई भी डाउट नहीं है मेरे माइंड में। और अगर मैं बात करूं व्हील्स की, तो यहाँ पे देखिए फ्रंट व्हील है जो 19 इंचेस का है, रेयर जो व्हील है वो 17 इंचेस का, काफ़ी ज़्यादा वाइड टायर दिया गया है रेयर में, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। और इस बाइक से मतलब मैं अगेन कहना चाहूँगा काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। और ऑन रोड अगर मैं बात करूँ कि इस बाइक का प्राइस कितना हो सकता है, तो इसका जो प्राइस है वो 400,000 तक पहुँच जाएगा। तो हाँ दोस्तों, अगर आप 400,000 तक की कोई बाइक लेना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम रुक जाइए, और मेरे हिसाब से 400,000 में अगर रॉयल इनफील्ड की अगर हमें शॉटगन मिल जाती है, 650 क्रूज़र कह सकते हैं, तो उससे अच्छा क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हाँ पता है आजकल मैं वीडियोस टाइम टू टाइम नहीं बना रहा हूँ, तो टाइम टू टाइम बनाने के लिए मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आके इंस्टाग्राम में भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।